आपका मनोज कुमार यादव YouTube चैनल में स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हमारे आगामी वीडियो देखने के लिए, जुड़ने के लिए, मोटिवेशन के लिए सब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। आज हम नए टॉपिक के साथ, राजनीति विज्ञान का विषय है ये कक्षा 12 का शक्ति। कल हमने न्याय का टॉपिक डाला था। इस कोविड की जो दूसरी लहर चल रही है इसमें सभी सुरक्षित रहें, घर पे रहें। बहुत ज़्यादा ये संक्रमित हो रहे हैं। घबराएं नहीं, सावधानी रखें, सतर्कता। कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत, वही बात है। जैसे कि आज हम शक्ति पढ़ रहे हैं। शक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर। पावर, हर आदमी चाहता है कि मेरे पास पावर हो, लेकिन पावर के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। अनेक चिंतन विचारक हुए, तो यूरोपीय चिंतन की हम बात करें तो यूरोपीय चिंतन में सबसे पहले शक्ति के बारे में जिस विचारक ने कहा उसका नाम था मैकियावेली। क्या नाम था? मैकियावेली। एक आप कुछ इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। थॉमस हॉब्स, इसको थॉमस हॉब्स भी कहते हैं, कि पुस्तक का नाम लेवियाथन। बहुत बार पूछा गया है लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है। थॉमस हॉब्स भी मिल जाता है कहीं, थॉमस हॉब्स भी मिल जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता कौन है? चार्ल्स मेरियम। कौन है? चार्ल्स मेरियम। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता चार्ल्स मेरियम है। कई बार, बहुत बार पूछा जाता है ये छोटे छोटे प्रश्न, और इस बार तो आपकी परीक्षा का पैटर्न में छोटे छोटे ही प्रश्न आएंगे। कई बार पूछा गया है कि इस विद्वान ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? केटलिन। किसने कहा है? केटलिन ने कहा है। पुस्तकें हमने पहले वाले वीडियो में हमने पुस्तक रिपब्लिक प्लेटो की पढ़ी थी। अब इसके जो पुस्तकें का हम नाम बहुत सारे आते हैं, इसमें भी हमने पढ़ा कि लेवियाथन थॉमस हॉब्स की है, और कौन क्या कब कैसे प्राप्त करता है ये किसकी है? लासवेल की पुस्तक है। द वेव ऑफ गवर्नमेंट, ये पुस्तक किसने लिखी? मैकाइवर ने। द वेव ऑफ गवर्नमेंट, ये पुस्तक लिखी मैकाइवर ने। इन पुस्तकों के नाम कन्फर्म है कि दो तीन पुस्तक तो पूछी जाएंगे। द वेब ऑफ गवर्नमेंट में मैकाइवर ने शक्ति की परिभाषा दी है कि ऐसी क्षमता है जिसमें दूसरों से कोई काम लिया जाता है या आज्ञा पालन कराया जाता है। ये महत्वपूर्ण परिभाषा थी। ऑर्गेन्सकी ने क्या कहा है, परिभाषाएं याद करने की कोशिश करें। शक्ति दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्या बताई है? क्षमता बताई है। इसी शक्ति की परिभाषा में ही एक रॉबर्ट बायस्टेड ने कहा है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता ने कि उसके क्या है? वास्तविक प्रयोग। ये हमने कुछ इसके परिभाषाएं पढ़ी। अब शक्ति का बल और प्रभाव से अंतर, यानी शक्ति और बल में क्या अंतर है? शक्ति एक प्रच्छन्न बल है। प्रच्छन्न यानी छिपा हुआ, यानी दिखता नहीं, हमें आँखों से नहीं दिखता। और बल हमें प्रकट शक्ति है। शक्ति हमेशा प्रकट होती है और बल हमेशा क्या होता है? प्रकट होता है। यदि पुलिस के पास पावर है, शक्ति है डंडे पीटने की, लेकिन वो जब डंडे का प्रयोग हमसे, डंडे से किसी को पीटता है, तो वो पीटना, जो डंडे से पीटना, बल कहलाता है। और जो उसके पास जो शक्ति है कि वो किसी को दंड दे सकता है, वो उसकी शक्ति होती है। इसी तरह शक्ति और प्रभाव में भी अंतर होता है। शक्ति दमनात्मक होती है और उसके पीछे कठोर भौतिक बल का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रभाव क्या होता है? मनोवैज्ञानिक होता है, यानी डर से। जिस तरह से मनोवैज्ञानिक आजकल अब कोरोना में, जैसे कि
लॉकडाउन लगा रहे हैं अपने 10 से 24 के बीच में, तो एक पुलिस आते ही लोगों को भय हो जाता है, डर जाता है मनोवैज्ञानिक रूप से ही। कोरोना से भी मनोवैज्ञानिक रूप से लोग डरे हुए हैं। शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है, जबकि प्रभाव है पूर्णतः प्रजातांत्रिक होता है। शक्ति के स्थायित्व के लिए हमेशा प्रभाव की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी भी प्रभाव के स्थायित्व के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अब शक्ति के रूप पढ़ेंगे। शक्ति के रूप में मुख्यतः तीन रूप हैं। शक्ति के मुख्यतः कितने रूप हैं? तीन रूप हैं। पहला राजनीतिक, आर्थिक और विचारात्मक। तीन रूप हैं, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारात्मक शक्ति। पहली है राजनीतिक शक्ति, दूसरी है आर्थिक शक्ति, तीसरी है विचारात्मक शक्ति। राजनीतिक शक्ति क्या होती है कि समाज में मूल्यवान संसाधनों का समाज के विभिन्न समूहों में आवंटन, समाज के अंदर जो भी संसाधन है उनका आवंटन, ये जो राजनीतिक शक्ति है, जो हमारी लोकसभा संसद लोकसभा के जो संसद के जो भाग अंग थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये ही करते हैं। आर्थिक शक्ति यानी उत्पादन के साधनों एवं धन संपदा पर जिसका भी स्वामित्व होता है। और विचारात्मक शक्ति, जिस तरह से अलग अलग विचारधाराएं आई, उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, ये सारी विचारधाराएं। अब शक्ति की संरचना, शक्ति कैसे रूप में है, इसके लिए चार अपने पास कितने हैं, चार सिद्धांत हैं। पहला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत मार्क्सवादियों का देन है। मार्क्सवादियों ने बताया कि दो वर्ग पाए जाते हैं, एक बुजुर्गवा वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। मार्क्सवादियों ने कहा कि जो आर्थिक रूप से ताकतवर हैं वो वर्ग बुजुर्गवा बुर्जुआ वर्ग, और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो सर्वहारा वर्ग हैं, और ये बुजुर्गवा वर्ग के पास शक्ति अधिक होती है, ये सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं। दूसरा सिद्धांत है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। इसमें शक्ति जो भी विभाजन होता है वो आर्थिक आधार पर नहीं होके उसकी कुशलता, संगठन क्षमता, बुद्धिमता, प्रबंध क्षमता और नेतृत्व क्षमता पर होता है। यानी जैसे हम कहना चाहें कि कोई विशिष्ट वर्ग हो, जैसे चिकित्सा से जुड़ा, न्याय के पेशे से शिक्षक, इंजीनियर, प्रशासक वर्ग, ऐसे एक विशिष्ट वर्ग बना लेते हैं जो अपने ताकत को कहीं भी दिखा सकते हैं, दिखाते हैं। तीसरा सिद्धांत है नारीवाद सिद्धांत। समाज में शक्ति का विभाजन का आधार इन्होंने लैंगिक माना है। इन्होंने दो माने हैं, एक तो पुरुष वर्ग और एक महिला वर्ग। नारीवादी सिद्धांत ने कहा है कि सारी शक्तियां पुरुष के पास हैं, महिलाओं का वो क्या करते हैं, शोषण करते हैं। अगला है अंतिम बहुलवादी सिद्धांत। समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूह में बटी होती है। यानी बहुलवादी सिद्धांत के विचारकों का मानना है कि शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ये समूह में बटी हुई है और अनेक समूह मिलके इसका कार्य करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप कृपया इसको चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन जो घंटी वाला निशान है उसको अवश्य दबाएं, आपको वीडियो मिलता रहेंगे। और शेयर, कमेंट्स अवश्य करें, और आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट्स करना न भूलें। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, इस कोरोना महामारी को हमें आत्मविश्वास से हराना है, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को, अपने देश को बचाना है, और हमारी पढ़ाई निरंतर चलती रहे, इसके लिए मैं भी आपके लिए प्रयास करूँगा। धन्यवाद।